हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई मूवी पठान को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की स्टोरी काफी जबरदस्त है और साथ ही हमें इसमें खतरनाक एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी सीन मिस नहीं करना है आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान से होती है और हम पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए आता है। उसका चेकअप होने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि वो सिर्फ 3 साल तक जिंदा रह सकता है क्योंकि उसे कैंसर है। तभी टीवी में एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि इंडिया में कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया है। तभी वो जनरल डॉक्टर से कहता है कि अब कश्मीर में हालात बहुत खराब होने वाले हैं। वहाँ से वापस आने के बाद जनरल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट करता है जिसका हेड जिम होता है। उसकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आउटफिट एक्स है और जिम के रोल में हमें जॉन अब्राहम दिखाए गए हैं। जिम पास्ट में एक रॉ एजेंट रह चुका है और किन्हीं कारण की वजह से वो अब रॉ के साथ काम नहीं करता, वो रॉ से नफरत करता है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसों के लिए काम करती है। जनरल उससे कहता है कि वो हिंदुस्तान की बर्बादी देखना चाहता है। जवाब में जिम कहता है कि इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और यहाँ कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। और यहाँ सीन अफ्रीका के एक इलीगल वेपन मार्केट की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो एक वेपन डीलर से बात कर रहा था। वो एक ऐसी मिसाइल खरीदना चाहता था जो सेकेंड्स में किसी भी कंट्री को तबाह कर सकता है और रेडार में डिटेक्ट भी नहीं हो सकता। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी उस वेपन डीलर के पास एक और आदमी आता है जो उससे कहता है कि कोई आदमी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। और यहाँ पर कहानी में शाहरुख खान की एंट्री होती है जिसे मूवी में पठान नाम दिया गया है। वो आदमी पठान से पूछता है कि आखिर तुम आज तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें 2 साल पहले जिम ने मार दिया था, लेकिन ये पठान की एक चाल होती है। वो उसी वक्त अपने हाथ खोल देता है और यहाँ पर हमें मूवी में एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। पठान उस वेपन डीलर को पकड़कर उससे एक ही सवाल पूछता है कि रुबाई कहाँ है, लेकिन वो वेपन डीलर पठान को रुबाई के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए पठान उसे हेलीकॉप्टर के साथ बांधकर वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ सीन न्यू दिल्ली की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम ऑपरेशन मैनेजर को देखते हैं जिन्हें मूवी में मैम नाम दिया गया है, इसलिए हम भी इसे मैम ही बुलाएंगे। उनके सैटेलाइट डिटेक्टर की मदद से उन्हें पता चलता है कि रुबाई को फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। और ये बात सुनते ही वो ऑपरेशन मैनेजर मैम अपने स्टाफ को लेकर अपने चार्टर्ड प्लेन में जल्दी से फ्रांस के लिए निकल जाती है। प्लेन में उसके साथ बैठा हुआ एक साथी उससे पूछता है कि आखिर पठान और रुबाई में क्या कनेक्शन है। वो पठान की स्टोरी जानना चाहता था और यहाँ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। म्यांमार में एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान पठान बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए उन्हें दिल्ली की एक सीक्रेट मेडिकल फैसिलिटी में रखा गया था जहाँ पर मैम उनसे मिलने आती। लेकिन पठान से मिलने के बाद मैम देखती है कि पठान अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, वो अपने जख्मों से रिकवर कर चुका है। पठान मैम से कहता है कि हमारे देश पर आए दिन नए खतरे मंडराते रहते हैं, इसलिए मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ और उस टीम की मदद से उन खतरों को शुरू होने से पहले ही मिटा देना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे जवानों की लिस्ट है जो बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। हमें ये मिशन जरूर करना चाहिए। इसके लिए मैम तैयार हो जाती है। हालांकि मैम अब कुछ ही टाइम में रिटायर भी होने वाली थी। और यहाँ सीन एक सीक्रेट फैसिलिटी की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम पठान की टीम को देखते हैं और साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है आशुतोष राणा की, जिन्हें हम वॉर मूवी में सुनील लूथरा के नाम से देख चुके हैं। वो मैम से कहता है कि पठान की टीम का आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है क्योंकि पठान की टीम में जो मेंबर्स हैं उन्हें अभी तक असली मिशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पठान उनसे कहता है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है और हमारे देश से वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक जाने वाले हैं, लेकिन हमें पता चला है कि उनकी जान को वहाँ पर खतरा है, इसलिए हम इस मिशन को खुद हैंडल करना चाहते हैं। और यहाँ सीन दुबई की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम पठान को देखते हैं। पठान प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रख रहा था, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है कि ये सेटअप शायद उन्हें गुमराह करने के लिए लगाया गया है, जबकि जिम का इरादा कुछ और ही होता है। इससे पहले कि कॉन्फ्रेंस शुरू हो पाती, जिम रास्ते में ही उन साइंटिस्ट की गाड़ी को रोक लेता है और उन्हें अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश करता है। वो उन्हें किडनैप करना चाहता था,
लेकिन यहाँ पर पठान की एंट्री होती है और यहाँ पर हमें पठान और जिम के बीच एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। हालांकि जिम उन साइंटिस्ट को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पठान हिम्मत नहीं हारता। वो अभी भी जिम को ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है। एक दिन पठान को पता चलता है कि जिम स्पेन में है। उसे अपनी टीम से एक लड़की के बारे में बताया जाता है जो जिम के साथ ही काम करती है। इसका नाम रुबीना खान है। पठान उस पर नजर रखने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर जिम के लोग पहुंच जाते हैं। वो पठान को पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर जिम भी आता है। जिम बिना कुछ सोचे समझे अपने आदमियों से पठान को मारने के लिए कहता है और खुद वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर रुबीना आती है और रुबीना जिम के आदमियों को ही मारने लगती है, यानी वो पठान की जान बचाती है। बाद में वो पठान से कहती है वो एक ISI एजेंट है और पिछले एक साल से जिम के साथ ही काम कर रही है और जिम को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं है। अब जिम को पकड़ने के लिए पठान और रुबीना टीम अप करते हैं। पठान को पता चलता है कि एक हफ्ते बाद जिम रशिया में एक केमिकल की डिलीवरी लेने वाला है। इस केमिकल को रक्त बीज नाम दिया गया है। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि ये कुछ ही सेकंड्स में पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है। अब पठान और रुबीना जिम को पकड़ने के लिए प्लानिंग में लग जाते हैं और वो रशिया के एक शहर मॉस्को में पहुंच जाते हैं। अब इनके सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस वॉल्ट में रक्त बीज को रखा गया था उसे खोलना बहुत मुश्किल था। उसे सिर्फ दो चाबियों से खोला जा सकता था और ये दोनों चाबियां दो अलग अलग लोगों के पास दो अलग अलग शहरों में मौजूद थी। इसके बाद पठान रुबीना खान यानी रुबई को एक आदमी के पास भेज देता है जिसके पास उस वॉल्ट की एक चाबी होती है। बहुत ही आसानी से रुबई उस आदमी को अपने जाल में फंसा कर उसका फिंगरप्रिंट ले आती है और दूसरी चाबी पठान खुद ही ले आता है। इसके बाद पठान और रुबई रक्त बीज को चुराने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो वहां से रक्त बीज को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रुबई पठान को धोखा दे देती है। वो रक्त बीज चुरा कर वापस जिम के पास चली जाती है और हमें पता चलता है कि रुबई दरअसल अभी भी जिम के साथ ही काम कर रही थी। जिम को पता था कि पठान के अलावा इस रक्त बीज को कोई नहीं चुरा सकता, इसीलिए रुबई के सहारे उसने पठान को रक्त बीज चुराने के लिए इस्तेमाल किया। उस रक्त बीज को चुराते समय पठान को रशिया की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है और बाद में वहाँ पर मैम यानी डिंपल कपाड़िया को बुलाया जाता है ताकि वो पठान को आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन वो पठान को आइडेंटिफाई करने से मना कर देती है। अब पठान को इस जेल से रशिया की दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन ट्रेन में उस पर गुंडों के द्वारा हमले करवाए जाते हैं। वो गुंडे पठान को बहुत मारते हैं और यहाँ पर कहानी में सलमान खान यानी टाइगर की एंट्री होती है और टाइगर और पठान मिलकर उन गुंडों से लड़ते हैं। यहाँ पर मूवी में जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया गया है। टाइगर पठान को वहाँ से भागने में हेल्प करता है और लास्ट में उसे कहता है कि इस मिशन के दौरान मर मत जाना क्योंकि मैं एक मिशन करने वाला हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जब मैम को रुबई की फोटो मिली थी। वो रुबई की फोटो लेकर पठान के पास पहुंच जाती है। पठान खुद भी रुबई से बदला लेना चाहता था। मैम पठान को रुबई का एड्रेस बताती है और पठान फौरन रुबई के पास पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन रुबई पठान को बताती है कि जब मैंने रक्त बीज को चुराने में जिम की मदद की थी तब मुझे पता नहीं था कि जिम के इरादे इतने गलत हैं। वो उस रक्त बीज का क्या इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अब मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं तुम्हारा साथ दिल से देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ सीन रशिया की एक लैब की तरफ मुड़ता है जहाँ पर जिम उस केमिकल की मदद से एक ऐसा वायरस बना रहा था जिसे वो इंडिया में तबाही लाना चाहता था और अब उसका वायरस बनकर तैयार हो जाता है। उस वायरस को बनाने वाला साइंटिस्ट जिम से पूछता है कि क्या वो सच में इस वायरस से भारत पर अटैक करने वाला है। जिम उसे बताता है कि रॉ के एक मिशन के दौरान मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी रॉ को मेरी कोई कदर नहीं थी, लेकिन अब मैं फैमिली को खोने का दर्द पूरे भारत को दिखाना चाहता हूं। और तभी लैब में एंट्री होती है पठान की और उसके साथ रुबई भी होती है। जिम के पास वो वायरस दो ऑब्स में होता है। वो उन दोनों को लेकर वहां से भाग जाता है और यहां पर पठान उसके पीछे भागता है और हमें एक बहुत ही जबरदस्त चेजिंग सीन देखने को मिलता है। पठान जिम से वायरस वाला एक ऑब छीनने में कामयाब हो जाता है जबकि दूसरा ऑब लेकर जिम वहां से भाग जाता है। पठान उस ऑब को लैब में ले जाता है ताकि वो उस वायरस को खत्म कर सके। लैब में मौजूद साइंटिस्ट उस ऑब को खोल देते हैं लेकिन उसके अंदर सिर्फ पानी होता है। तभी उन्हें जिम का कॉल आता है। उन्हें बताता है कि उस ऑब में तीन लेयर्स थे।
पहली लेयर में वो वायरस भरा हुआ था, दूसरी लेयर में वैक्यूम था ताकि वैक्यूम की मदद से वायरस को जल्दी फैलने में मदद मिले, और तीसरी लेयर में पानी भरा हुआ था। अब उस ऑब के खुलने के बाद वो वायरस तुम्हारी इस लैब में फैल चुका है। जिम उन्हें बताता है कि अगर इस वायरस को किसी इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो उस इंसान को लेवल 13 या लेवल 14 का दर्द होता है, यानी वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और 3 घंटे के अंदर इस वायरस की मदद से उस इंसान की डेथ हो जाती है। इन साइंटिस्ट के बीच मैम भी शामिल होती है और धीरे धीरे वायरस फैलने का असर हमें उनकी बॉडी और उनके सूट पर साफ दिखाई देता है। रक्तबीज से निकले हुए इस वायरस का नाम स्मॉल पॉक्स होता है। काफी सालों पहले यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था और इसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन फिर सभी कंट्रीज ने इसके एंटीडोट्स बना लिए थे। लेकिन अब जिम ने अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसका म्यूटेटेड वर्जन बना लिया था और ये वायरस अब धीरे धीरे पूरी लैब में फैलने लगता है। लैब के अंदर मौजूद साइंटिस्ट की हालत खराब होने लगती है। जहाँ पर इस ऑब को खोला गया था उस चैम्बर को ऑलरेडी बाहर से बंद किया गया था, लेकिन उस चैम्बर के अंदर मौजूद सभी साइंटिस्ट इस वायरस का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी जान की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लैब को सील कर देते हैं और यहाँ कहानी प्रेजेंट में आती है और हम पठान को उसी वेपन स्मगलर के साथ देखते हैं जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में हेलीकॉप्टर के साथ बांधा था। पठान उससे जिम के पास मौजूद वायरस और मिसाइल की लोकेशन पूछता है। वो उसे बहुत टॉर्चर करता है और लास्ट में वो आदमी अफगानिस्तान का नाम लेता है और यहाँ सीन अफगानिस्तान की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम जिम को देखते हैं। जिम के साथ पाकिस्तान का वही मिलिट्री जनरल होता है जिसने स्टार्टिंग में उसे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जिम उस आर्मी जनरल को उस वायरस के बारे में बताता है कि ये किसी भी देश को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जिम ने वो वायरस आर्मी जनरल को देने के लिए ही बनाया है। लेकिन इससे पहले कि जिम उसे वो वायरस दे पाता, टीवी पर न्यूज आने लगती है कि अफगानिस्तान के एक गांव में एक वायरस फैला है। जिम पहचान लेता है कि ये वही वायरस है जो उसके पास है, इसीलिए वो वहां चेक करने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। जिम के आदमी वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये पठान का जाल था। पठान उन्हें पकड़ लेता है, वो जिम के आदमियों को मारकर उनकी वर्दी पहनकर उसी जगह पर आ जाता है जहां पर जिम और मिलिट्री जनरल होते हैं। और अब की बार पठान बहुत ही आसानी से जिम तक पहुंच जाता है और फिर से हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है, लेकिन इस फाइट सीन में रुबीना भी दिखाई जाती है। अब की बार वो सच्चे मन से पठान का साथ देती है और केजीएफ के रॉकी भाई की तरह मशीन गन से हर किसी चीज को उड़ा देती है। यहाँ पर जिम पठान से कहता है कि तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो, क्योंकि वायरस मिसाइल के अंदर नहीं है बल्कि वायरस मैंने ऑलरेडी दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट के अंदर डाल दिया है, और दूसरी तरफ मिसाइल भी लॉन्च हो चुकी है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। एक तरफ पठान खुद जिम से लड़ रहा था, दूसरी तरफ उसकी टीम मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं तीसरी तरफ दिल्ली में वो फ्लाइट लैंड होने वाली थी जिसके अंदर वायरस था और उसमें बहुत ही कम समय बचा था। अगर जिम उस रिमोट का बटन दबा देता तो वो ऑब खुल जाता और वो वायरस पूरी फ्लाइट में फैल जाता, और फिर जब फ्लाइट में मौजूद लोग घर जाते तो वो वायरस पूरे शहर में फैल जाता। लेकिन हमारे पठान भैया इतनी जल्दी से तो हार मानने वाले थे नहीं, वो जिम के साथ फाइट करते हैं और जिम से उस ऑर्ब का रिमोट छीन लेता है और जिम को एक बहुत ही ऊंची जगह से नीचे फेंक देता है। इसके बाद मिस्टर लूथरा वापस पठान के पास आता है और पठान से कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हमें पूरी दुनिया में फैले हुए अपने एजेंट्स को जमा करना होगा, यानी वो टाइगर और वॉर के ऋतिक रोशन के बारे में बात कर रहे थे। वो पठान से कहता है कि हमें हमारे सारे हीरोज को जमा करके अपने देश को इन खतरों से बचाना होगा। यानी यहाँ पर जाते जाते वो हमें एक और मूवी का हिंट देकर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें टाइगर और पठान को एक ही जगह पर दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब हमें इस काम को करते हुए 30 साल बीत चुके हैं, अब हमें रिटायर होने का मन करता है, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि हमारे इस काम को छोड़ने के बाद ये काम कौन करेगा। ये तो श्योर है कि दोनों यहाँ पर यशराज की स्पाई यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग बॉलीवुड के बारे में भी हिंट देकर जाते हैं कि अगर वो लोग रिटायर हो जाएंगे तो अभी इंडस्ट्री में कोई उनके जैसा नहीं है जो इंडस्ट्री को उनकी तरह संभाल सके। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं,
क्योंकि उनसे हमें आपका फीडबैक मिलता है और आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।